वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में इस वक्त मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा खूब उछल रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी जगह बना रहा है। यहां कल खबर अलीगढ़ से सामने आई, जहां शहर के चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की तैयारी है, जिससे अब हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग घर पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाकर पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो वाराणसी का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने घर पर ही लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिदों में अजान के वक्त ही हनुमान चालीसा बजाई और रोजाना ऐसा ही करने का फैसला किया। इस पर वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिदों से लगातार ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जबकि काशी के मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चारण गूंजता था, अब वे अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। वहीं आपको बता दें, काशी में ही काफी समय से ज्ञानवापी मस्जिद और भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर अब रोजाना सुनवाई होगी, ऐसी खबर पहले सामने आई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी। हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से पक्ष रखा जाएगा, जिसे लेकर अगली सुनवाई पर बहस पूरी होने की सूरत में अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।